हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी होममेड हेयर स्पा रूटीन। जी हां, जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आपका इसके अंदर एक पैसा भी नहीं लगेगा, जीरो पैसे में आपको ये होममेड हेयर स्पा करना है। और सच में ऐसा ही होगा, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट और जितनी भी होम रेमेडीज़ होती हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ परचेज़ करना ही होता है, लेकिन इस हेयर स्पा के लिए आपको वो भी नहीं करना होगा। जो भी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, जो भी मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ, वो दोनों के दोनों आपके घर में मौजूद हैं। चाहे तो आप वीडियो को देखने के बाद तुरंत हेयर स्पा कर भी सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए, और हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके अपना रिव्यू मुझे देना है कि आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद रहा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, तो वहाँ आपको रिज़ल्ट 100% ही मिलेगा इसका। लेकिन मैं पहले आपको इसके फ़ायदे के बारे में बता देती हूँ। इस हेयर स्पा के फ़ायदे वैसे ही मिलेंगे, इनफैक्ट अच्छे ही मिलेंगे, जैसे आप पार्लर में जाके हेयर स्पा लेते हैं। लेकिन पार्लर में जाके हेयर स्पा लेंगे तो आपके 1500 या 2000 कहीं पर भी नहीं गए, लेकिन ये हेयर स्पा आप ज़ीरो पैसे में करेंगे अपने घर पे बैठे बैठे। और दूसरी बात ये, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस हेयर स्पा के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि आपको पार्लर वाले हेयर स्पा से भी नहीं मिलेगा। इसके इतने फ़ायदे हैं, मैं आपको हर एक फ़ायदा नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको एक सिंगल ऐसा एक फ़ायदा बताऊंगी जो आपके बालों में बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देगा, आपके बालों की बहुत सी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, ये आपके बालों को सॉफ्ट करके आपके बालों को टैंगल फ्री बनाता है। यानी कि जिनके बाल उलझे रहते हैं, कोम करने के बावजूद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके बाल उलझे हुए हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। यानी कि बाल उलझे हुए नहीं हैं तो कोम करते वक्त आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, दो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ये सॉल्व हो गई। आपके बाल लंबे भी होंगे, फिर अगर झड़ नहीं रहे हैं तो लंबे भी होंगे। अगर टैंगल फ्री हैं तो इसका मतलब आपके बाल सॉफ्ट हो गए हैं, बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई है, बाल सुंदर दिखेंगे। लेकिन एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। हेयर स्पा के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके बालों का टेक्सचर अच्छा करता है लेकिन चेंज नहीं करता है। यानी कि अगर आपके बाल कर्ली है तो वो सुंदर कर्ली हो जाएंगे, सॉफ्ट कर्ल्स बनकर आएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, डैमेज फ्री रहेंगे, शाइन आएगी बालों में। अगर आपके बाल वेवी हैं तो आपके वेवी ही रहेंगे बाल, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन आएगी। बाल स्ट्रेट हैं तो वो स्ट्रेट ही रहेंगे, उसमें शाइन आएगी, सॉफ्ट होंगे, टैंगल फ्री रहेंगे। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि इसका ये आपके बालों का टेक्सचर ही चेंज कर देगा। बात कर लेते हैं इस हेयर स्पा को मैंने घर में कैसे किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपके डैमेज क्यूटिकल को ठीक करता है ताकि वो सॉफ्ट हों, आपके बाल सॉफ्ट लगें, डैमेज फ्री लगें। ये आपके नॉर्मल क्यूटिकल्स भी हैं राइट हैंड साइड पे, देखिए आपके बाल स्ट्रेट हैं लेकिन क्यूटिकल्स खराब होने की वजह से वो रफ लग रहे हैं, और यहाँ पर आपके बाल स्ट्रेट हो गए हैं लेकिन क्यूटिकल्स भी ठीक हो गए हैं। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आपको ऑयल लेना है, मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं, या घर में कोई भी ऑयल मौजूद है उसको लीजिए और उसको हल्का सा गर्म कीजिए। मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में 30 सेकंड तक गर्म कर रही हूँ, आप चाहें तो तवे पे कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा तेल लेके गर्म तवे के ऊपर रखना है, गैस ऑफ होना चाहिए, बस तवा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी कपड़े से ही कटोरी को लेना है और अपने बालों में उसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों में कोम करनी है। कोम करने के बाद सारे बाल सुलझ जाए तभी आप इसको अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में नीचे कम कीजिए, फिर उसके बाद आप स्कैल्प पे कम कीजिएगा। तो अब आपको आपके स्कैल्प पे ये ऑयल लगाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऑयल लगाना है। आपको पार्टीशन कर करके अपने रूट्स में सबसे पहले ऑयल लगाना है, क्योंकि जड़ों में ऑयल जाएगा तभी इस हेयर स्पा का फायदा है। हल्के हल्के हाथों से लगाइएगा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती जबरदस्ती से लगाते हैं तो बाल इससे डैमेज होते हैं, हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ पे लगा रही हूँ। मैं अपनी जो
सर की जो बैक साइड है उसमें भी मैं तेल अप्लाई कर रही हूँ। और कोशिश कीजिए खुद ही लगवा लें, वरना हम औरों को कहते हैं, मतलब खुद ही लगा लीजिए, औरों को कहते रहते हैं फिर उनको परेशान करें, इससे बेटर यही रहता है कि हम खुद ही अप्लाई कर लें और खुद ही हल्के हाथों से अपने स्कैल्प की मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो। और जो ऑयल बच जाएगा उसको आपको हेयर एंड्स पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैंने अपना ऑयल लिया है और उसको हेयर एंड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो भी डैमेज है मेरे, लेकिन इस हेयर स्पा के बाद मेरे बाल बहुत ही अच्छे हुए हैं। मैं इसको 2 बार कर चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा मसाज करूंगी अपने बालों की हल्के हल्के हाथों से। नहीं, उससे पहले ये आप सेंटर में आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे बालों का एक सर्कल बनता है, गोल गोल सा कुछ सर्कल बनाता है, वहां पे मैंने इसको अप्लाई किया है क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस रहती है। वहां पे मैंने इसको अप्लाई कर थोड़ा सा एक्सेस में अपने पूरे स्कैल्प में मसाज कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट फास्ट कर रही हूँ। आप बिल्कुल धीरे धीरे और जहाँ पे शांति का माहौल हो वहां पे कीजिएगा। रिलैक्सेशन हो जाता है एक, इस करके बोल रही थी, माइंड फ्रेश हो जाता है। बस हल्के हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आपको अपने बालों को स्टीम देनी है। स्टीम आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, स्टीमर है तो उससे दे दीजिए। मैं क्या करती हूँ, एक टॉवल लेती हूँ, उसको मैं गर्म पानी में डालती हूँ और वो ही अपने उसको निचोड़ के वो अपने बालों में इसको लपेट लेती हूँ। सभी ऐसे करते हैं घर में, ये ही घरेलू नुस्खा है। और भी इसके नुस्खे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है, ये भी आपके घर में मौजूद होती है, ये है मलाई या मिलाई जो भी इसको कहते हैं। आप कोई से भी दूध की मलाई ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास भैंस का दूध आता है या टोंड आता है, फुल क्रीम आता है, कोई भी मलाई हो, भले वो टूटी हुई मलाई क्यों ना हो, कच्ची मलाई क्यों ना हो, आप कोई भी मलाई ले सकते हैं और उसको जब ऑयलिंग कर लेते हैं, स्टीम ले लेते हैं, उसके 1 घंटे के बाद आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, बस नॉर्मल, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कोई हाई फाई ट्रिक हो या कोई प्रोफेशनल ट्रिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मल अपने बालों में इस मलाई को अप्लाई करना है एंड बालों को बांध लेना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्लचर कर लो, कुछ भी कर लीजिए। और मलाई रह भी गई होगी कटोरी में तो आप उसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों फेंकें, क्यों वेस्ट करें। और उसके बाद जो पॉलीथीन होते हैं जिसमें हम सब्जी लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं जो साफ हो और कोरोना फ्री हो, वो आप पॉलीथीन अपने बालों में, मतलब अपने हेयर में कवर कर लें। उसके बाद आपको अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करके कंडीशनर अप्लाई करना है। सीरम अप्लाई करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, मेरे पास रखा था इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन सीरम अप्लाई करने का कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं था। मैंने सिर्फ अप्लाई कर लिया एंड शूट कर ली वीडियो, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो दोस्तों आप ट्रस्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल का जो टेक्सचर है वो है वेवी, आप देख सकते हैं, मैं खोल कर दिखा रही हूँ बालों को, लेकिन मेरे बाल सॉफ्ट हो गए हैं पहले से। आप मेरे हेयर एंड्स को देखिए, मेरे यहाँ पे प्री लाइट कलर हुआ हुआ था, इनकी ब्लीच हुई हुई थी, मेरे बाल बहुत डैमेज थे, लेकिन अब नहीं है। मैंने अपने बालों को ब्लैक किया घर में ही गार्नियर का कोई कलर लेकर, क्योंकि वो कलर हट नहीं रहा था प्री लाइट। मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे, मैं आपको अपने बालों को पास से भी दिखा सकती हूँ, इनफैक्ट मैं आगे दिखाऊंगी भी। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने हाथों को हटाऊं, मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों के बाद ऐसा मेरे को फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो भी इतनी लंबी चौड़ी में क्लिप रिकॉर्ड करी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। एंड आप पास से देख सकते हैं मेरे जो हेयर एंड्स है वो डैमेज फ्री हैं, अब मेरे कोई स्प्लेटेंट्स भी नहीं हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखाया है। एंड ट्रस्ट के साथ यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों में फायदा होगा। और वैसे आप इसको यूज करके देख ही लीजिए क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।